हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपनी बेटी के हेयर पे मस्टर्ड हेयर ऑयल से ऑयलिंग करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, वीडियो को एंड तक वॉच किया कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट किया कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब किया करिए। तो यहाँ पे लिया है मैंने सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल और इसको हमने हल्का सा गुनगुना कर लिया है क्योंकि हल्की सी ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो पहले हम सबसे पहले आधे हेयर को ऊपर जूड़ा बना लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम अच्छे से बालों को मांग कर करके उसमें हम ऑयल लगाएंगे और बहुत अच्छे से हेड मसाज देंगे अपनी बेटी के बालों में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो को, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही मैं ऐसे वीडियो लेकर आ रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे वीडियो को। तो इस तरीके से मैं बालों में पार्टीशन दे देकर अच्छे से जड़ों में ऑयल से मसाज कर दूंगी। और इस तरीके से आप अपने बालों की अगर केयर करते हैं तो आपके बाल ज़रूर ही लंबे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं थोड़े थोड़े से बाल ले लेकर और अच्छे से फिंगर की हेल्प से बालों में ऑयल लगा रही हूँ। तो सारे बालों में ऑयल लगा के हम बालों की जो नीचे की लेंथ होती है उसमें भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे और हाथों में लेकर सारे बालों में भी हम ऑयल को अच्छे से लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें पूरे ही बालों में अच्छे से ऑयल लगा देना है और उसके बाद अब हम बालों का जो हमने जूड़ा बनाया हुआ था वो उसको भी हम खोल लेंगे और उसके बाद हम सारे ही बालों में अच्छे से जड़ों में ऑयल को अच्छे से मसाज करेंगे इस तरीके से। और हम यहाँ पर हेयर को वॉश करके भी दिखाने वाले हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने बेटी के हेयर को वॉश करके दिखाइए। मैंने अपने हेयर वॉश करके दिखाए हैं, दो तीन वीडियो डाले हुए हैं तो आप लोग उन वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पर आज हम अपनी बेटी के हेयर वॉश करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि सारा ही रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ कि हेयर में अच्छे से ऑयलिंग कैसे करनी है और हेयर को हम वॉश कैसे करते हैं और फिर हेयर मास्क भी लगाएंगे हम, कंडीशनर वाला हम एलोवेरा के साथ मास्क लगाने वाले हैं। तो बालों को मैं सारे ही अच्छे से मांगे कर करके और अच्छे से जड़ों में ऑयल लगा दे रही हूँ। अगर आप मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे बालों में अच्छे से हेयर मसाज कर रही हूँ। चुप बड़ो। तो यहाँ पे हमारी कैट जो है वो आ गई है, वो बोले ही जा रही है, उसको लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो चुप नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमें बालों में अच्छे से फिंगर की टिप से मसाज कर देनी है ताकि जो हमने ऑयल लगाया है वो जड़ों में अच्छे से चला जाए और मसाज करने से स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है जिससे कि हमारे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे होते हैं और हमारे हेयर फॉल नहीं होता है। तो मसाज करते जाएंगे बालों को। बेटी हमारी यहाँ पे हंस रही है तो मुझे भी हंसी आ रही है, कुछ बात कर रही है। तो इस तरीके से मैं उसके सारे स्कैल्प पे अच्छे से मसाज दूंगी। आप 5 मिनट तक अपने बालों हेड को मसाज ज़रूर किया कीजिए। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं हेड मसाज करना बिल्कुल भी अवॉइड ना कीजिए। हेड मसाज करने से हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और हमारे हेयर जो है वो फॉल नहीं होते हैं और बाल काफ़ी अच्छे घने और लंबे हो जाते हैं।
आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना समय मिल ही नहीं पाता है, पर आपको जब भी समय मिले तो आप अच्छे से अपने हेयर की ऑयलिंग कीजिए और हेड मसाज कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सामने से हेड मसाज दे दी है अपनी बेटी को, तो अब हम इसका बालों को नीचे भी अच्छे से ऑयल को लगा देंगे और उसके बाद हम इसका जूड़ा बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जूड़ा है जो कि सिंपल है, तो आप वो कभी भी अपनी हेयर स्टाइल में भी ट्राई कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद अगर आप कहीं बाहर जाना ही पड़े आपको, तो आपको ये वाली हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसके बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर दी है और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा बालों को ट्विस्ट करते हुए एक जूड़ा बनाएंगे इस तरीके से, देखिए। और आप यहाँ पे यू पिन से सिक्योर कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो मैं यू पिन ले लेती हूँ या फिर आप रबर बैंड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी हेयर को बेटी जो है वो वॉश भी करेगी, तो मैं सिर्फ इसमें रबर बैंड ही लगा दे रही हूँ। आप अगर कहीं बाहर जाने वाले हैं तो ये देखिए, बेटी को मेरा बनाया हुआ पसंद नहीं आया तो वो खुद से बनाने वाली है। तो आप ये देख लीजिए, अगर मेरा वाला आपको अच्छा लगे तो आप हमारा वाला भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बेटी का अच्छा लग रहा है तो आप बेटी का भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इनको अपना ही पसंद आया है, ये देखिए इसका भी वैसे अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप अपने पूरे बालों को ऐसे घुमा लीजिए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अभी तो हम हेयर वॉश करने वाले ही हैं, तो चलिए चलते हैं। अब हम 2 घंटे बाद मिलेंगे जब हम हेयर वॉश करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए देखिए आपको वॉश उसने चोटी को आपको कैसे हमें हेयर वॉश करना है। तो पहले हम अपने बालों को खोल लेंगे और उसके बाद हम इनको पानी से गीला कर लेंगे। कई सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप मुझे नेचुरल वॉइस सुनाइएगा, तो मैंने यहाँ पर वॉइस म्यूट नहीं करी है। तो यहाँ पे एक मग में पानी लेकर उसमें हम शैम्पू घोल लेंगे और शैम्पू को हम धीरे धीरे करके डालेंगे। डायरेक्ट शैम्पू आप अपने बालों पर ना यूज करें क्योंकि हार्मफुल होता है बालों के लिए। तो आप थोड़े से पानी में अपने शैम्पू, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं जो आपके हेयर को सूट करता है, वो शैम्पू ले लीजिए। मैं यहाँ पर डव शैम्पू ले रही हूँ, तो डव शैम्पू से ही हम लोग अपने बालों को शैम्पू करते हैं। थोड़ा और इधर यहाँ पे आप पानी में थोड़ा सा शैम्पू घोल लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक पाउच लिया था, उसी को घोला हुआ है। और उसके बाद आप अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज कीजिए ताकि जो भी ऑयल है वो निकल जाएगा और जो भी डस्ट रहती है वो सब भी अच्छे से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर आप अपने बालों को नहीं रगड़िए क्योंकि गीले होने के बाद बालों की जड़ें जो हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाकर रगड़ेंगे तो बाल टूटने का डर ज़्यादा रहता है। और हल्के हल्के हाथों से आप अपने बालों को धोइए और यहाँ पे आपने थोड़ा सा शैम्पू गया है इसलिए। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट क्या कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप सभी का प्यार तो बहुत मिल रहा है पर आप सभी के लाइक थोड़े से कम मिल रहे हैं। तो अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं, अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मन करता है। मेहनत करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। बस लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल
फ्री है, जो रेड सब्सक्राइब बटन रहता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, यानी कि चैनल सब्सक्राइब हो गया है। और सामने की बेल आइकन रहती है जिसमें थ्री ऑप्शन आते हैं, जिसमें से आपको ऑल वाले पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसी की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाया करेगी, तो आपको पता चल सकता है कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करी है। तो यहाँ पे हमारा जो शैम्पू है वो अच्छे से हो चुका है, तो हम बालों को अच्छे से पानी से साफ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को अच्छे से धो दिया है, और इस तरीके से हम पानी को बालों से निकाल देंगे निचोड़ कर। तो देख सकते हैं मैंने अपने हेयर वॉश का रूटीन आप सभी के साथ में शेयर किया है। तो अब हम लगा लेते हैं हेयर मास्क, जिसमें मैंने एलोवेरा लिया है और थोड़ा सा मैंने मामाअर्थ का कंडीशनर मिलाया है इसमें। तो इसको आप 10 मिनट के लिए अपने हेयर पे लगा के छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने पूरे ही बालों में और अपनी स्कैल्प में अच्छे से लगा लूँगी, इस तरीके से पूरे बालों में अच्छे से। आप एलोवेरा हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप अगर ट्राई करते हैं और आपको कैसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पैक है वो लगा लिया है, उसके 10 मिनट बाद मैं आपको नहाने के बाद ही अब मिलूँगी आपसे। और अब हम बालों का एक जूड़ा बना लेंगे, और उसके बाद जब हम इसको वॉश करेंगे तभी भी हम आपको दिखाएंगे। जो बचा हुआ है मैं पूरा उसमें लगा लिया है, तो अभी हम 10 मिनट के बाद नहा धोकर अब हम अपने हेयर को वॉश करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है हमको, बस सिर्फ सादे पानी से अपने हेयर को वॉश कर लेना है अच्छे से। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज आप सभी के लिए लाती रहेंगी, और कौन सी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ वो सब भी आप लोग मुझे बताया कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट किया कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हमारा जो हेयर वॉशिंग का काम है वो हो चुका है। तो बाय।